5 मैच जीतकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आईपीएल 2022 के प्लेऑफ की रेस में अभी भी टिका हुआ है। जी हाँ दोस्तों, टिका हुआ इसलिए है क्योंकि अभी भी खतरा है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को दिल्ली कैपिटल से। जी हाँ दोस्तों, टॉप 5 टीम जो है वही अभी तक प्लेऑफ की रेस में है, उनमें से 2 क्वालिफाई कर चुका है और बाकी 5 हुए एलिमिनेट। तो पॉइंट टेबल की हालत क्या है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। 10 नंबर पे कंसिस्टेंट मुंबई इंडियंस है जो कि 13 मैच खेले हैं, 3 मैच जीते हैं सिर्फ और 10 मैच हारे हैं और पॉइंट से सिर्फ 6 रन रेट, बहुत ही खराब -0.577। दोस्तों 9 नंबर पे है चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल की और एक सफल फ्रेंचाइजी जो कि 13 मैच खेल के सिर्फ 4 ही मैच जीते हैं, 9 मैच हारे हैं और 8 है कुल पॉइंट, नेट रन रेट भी खराब -0.206। दोस्तों इसके बाद है सनराइजर्स हैदराबाद, 13 मैच खेल के 6 मैच जीते हैं, 7 मैच हारे हैं, 12 है कुल पॉइंट, नेट रन रेट है -0.230। दोस्तों इसके बाद है 7 नंबर पे पंजाब किंग्स जो कि 13 मैच खेले हैं, 6 मैच जीते, 7 मैच हारे हैं और 12 है कुल पॉइंट्स, नेट रन रेट -0.043। और 6 नंबर पे कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर जो कि 14 मैच खेल चुके हैं, 6 मैच जीते हैं और 8 मैच हारे हैं और पॉइंट से 12 और नेट रन रेट +0.146। दोस्तों ये जो आखिरी की 5 टीमें हैं, ये 5ों टीमें डिस्क्वालीफाई कर चुके हैं आईपीएल 2022 से। या दोस्तों प्लेऑफ के रेस में 5 नहीं है। तो बात करते हैं टॉप 5 टीम की जो अभी तक आईपीएल की प्लेऑफ के रेस में है। 5 नंबर पे है दिल्ली कैपिटल्स जो कि 13 मैच खेल के 7 मैच जीता है, 6 मैच हारा है और पॉइंट से 14, नेट रन रेट +0.255। दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स अगर उनका अगला मैच मुंबई इंडियंस के साथ जीत जाता है तो दिल्ली कैपिटल्स डायरेक्ट प्लेऑफ पे पहुंच जाएंगे। और वहां पर 4 नंबर टीम जो कि आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आज जीता है मैच, 14 मैच खेल के 8 मैच जीत कर 6 मैच हार कर 16 कुल पॉइंट लेकर नेट रन रेट -0.253 के साथ 4 नंबर पे है, वे बाहर हो जाएंगे आईपीएल की प्लेऑफ की रेस से क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स की जो पॉइंट है वो सेमी आरसीबी के साथ सिर्फ नेट रन रेट है अच्छा। और वहां पर टॉप 3 टीम की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स जो कि 13 मैच खेले है, 8 मैच जीता है, 5 मैच हारा है, 16 पॉइंट्स के साथ नेट रन रेट +0.304 से 3 नंबर पे है। और अगर राजस्थान रॉयल्स अगला मैच जीत जाता है तो राजस्थान रॉयल्स पहुंच जाएगा 2 नंबर पे। वहां पर लखनऊ सुपर जायंट जो कि 2 नंबर टीम है वो चलाएगा 3 नंबर पे। लखनऊ सुपर जायंट 2 नंबर में फिलहाल 14 मैच खेल के 9 मैच जीता है, 5 मैच हारा है और पॉइंट से 18, नेट रन रेट है +0.251। दोस्तों टॉप की टीम है गुजरात टाइटंस जो कि 14 मैच खेल के 10 मैच जीता है, 4 मैच हारा है, पॉइंट से 20, नेट रन रेट है +0.316। दोस्तों इस बार क्या लगता है आईपीएल इस बार कौन जीत सकता है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दोस्तों मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके तीखे मीठे कमेंट का।